जय हिंद। मेरे ट्रेडर पर आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी के एक और धमाकेदार एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, ताकि कल के दिन जो लोग भी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने वाले हैं उन्हें थोड़ी सहूलियत प्राप्त हो सके, वो समझ सके कि बैंक निफ्टी में कल किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। तो देखिए, अभी आपके लिए मैंने एक दिन का टाइम फ्रेम ओपन किया है। पहले एक दिन के टाइम फ्रेम पर बात समझ लेंगे, फिर हम लोग 15 मिनट और फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी बातें समझेंगे। अभी एक दिन के टाइम फ्रेम पर पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दौरान मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी जो काफ़ी दिनों से देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पर, तो एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था, इस रेंज बाउंड से बाहर निकल गया। और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से आप देखेंगे तो हम इसके ऊपर ही क्लोज कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाला कैंडल जो अभी मैं ये लकीर खींच रहा हूँ, ये मंडे के दिन का कैंडल बना है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से हम लोग इस रेंज बाउंड से ऊपर जाकर क्लोजिंग कर रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है, कल के दिन यानी कि वेडनेसडे के दिन, क्योंकि आज ट्यूडे आज मार्केट बंद है, बहुत संभावना है कि ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसके ऊपर ही मार्केट इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं 40,000 के आसपास ओपन होने की संभावना रहेगा। 40,000 के आसपास ओपन होता है तो तुरंत यहीं पर ट्रेड नहीं बाई करना है। 40,000 के आसपास समय थोड़ा समय बिताने दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर 41,100 का जो लेवल है ना, वो एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो इसलिए थोड़ा पर यहाँ पर हमें संभल कर काम करना होगा। और कल के दिन 41,100 के ऊपर जब निकलेगा तभी हम फिर सी साइड की तरफ लॉन्ग होंगे, क्योंकि तुरंत हम 40,000 के आसपास ओपन होने के मतलब ये नहीं कि तुरंत हम सी साइड की तरफ जाकर ट्रेड ले लें। तो एक दिन का टाइम फ्रेम पर अभी आप देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 40,813 के आसपास, और बहुत संभावना है कि इसके ऊपर यानी कि 40,000 के आसपास, 40,800 से लेकर 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी ओपन हो, और फिर जब ऊपर जाएगा तो हम सी साइड की तरफ ट्रेड लेंगे। देखिए 40,000 और फिर 40,100 के बाद जो हमारा अगला रेजिस्टेंस रहेगा, हमारा अगला रेजिस्टेंस ये वाला एरिया रहेगा जो देख सकते हैं 40,500 का लेवल है। 40,500 का लेवल जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का काम करता है। तो कल जब बैंक निफ्टी 40,800 से 40,500 तक यदि पहुंच जाता है तो फिर इसके भी ऊपर जाएगा, इसकी संभावना थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी आप 40,800 से लेकर 40,500 तक देखेंगे तो 700 का तकरीबन ये पॉइंट कैप्चर कर चुका रहेगा। तो उसके ऊपर यदि जाता है तो बहुत संभल कर ट्रेड करना और रहेगा, लेकिन कल के दिन एकदम 700 पॉइंट के ऊपर चला जाए इसकी संभावना थोड़ी कम रहेगी। हालांकि थर्सडे के दिन इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन कल के दिन हमें 41,500 तक के लिए ही अपना कामकाज करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का जो ग्राफ बन रहा है कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यानी कि ये एक इशारा कर रहा है बैंक निफ्टी की अभी भी अब धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। और देखिए ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है इसके ऊपर, यानी कि जैसे मैंने बताया शुरू में बताया कि ये इसके जब ऊपर निकलेगा तो आ जाएगा 40,000 का लेवल। 40,000 का लेवल निकलने के बाद ही हम फिर सी साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। 15 मिनट टाइम पर भी यही शो हो रहा है कि अभी बैंक निफ्टी का चार्ट लॉन्ग है, यानी कि ऊपर की तरफ जाने में ही भलाई रहेगा। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब हम देखते हैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो देखिए कल के दिन क्या हुआ था, सॉरी पिछले ट्रेडिंग सेशन के दौरान मंडे के दौरान देखेंगे तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था। तो इससे क्या हुआ कि मतलब बहुत तगड़ा मूवमेंट नहीं आने, अचानक से हमें ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन बायर को चाहिए कि तुरंत मूवमेंट आए, तुरंत एक बड़ी मूवमेंट आए तब तगड़ा पैसा बनता है। धीरे धीरे मार्केट करके ऊपर जाता है तब इसमें मज़ा नहीं आता है। तो ये तो हुआ कि मंडे के दिन मार्केट ऊपर गया, लेकिन काफ़ी धीरे धीरे ऊपर गया तो इससे कमाई नहीं हुआ। अब कल के दिन देखना है वेडनेसडे के दिन यदि एक शार्प तेज आता है और मुझे उम्मीद है कि 40,000 के लेवल को पार करने के बाद बैंक निफ्टी में कैंडल काफ़ी बड़े बड़े बनेंगे और ऊपर की तरफ बनेंगी, अचानक मतलब एक तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ कैंडल जाएंगे जिसमें हमारी कमाई होगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने 3 लेवल बता दिए हैं आपको, उस 3 लेवल के लिए सबसे पहले तो 40,000 के लेवल को पार करने देना है और आराम से 40,000 जब 100 का लेवल तक आता है उसके बाद हमें अपना क्वांटिटी भर के तैयार रहना है सी साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए, और 40,100 के लेवल को पार करते हैं हमें सी साइड में फोल्ड कर रख देना है। यानी कि 2 दिन बचा है सप्ताह में। देखिए अभी सप्ताह में को पता है कि फ्राइडे के दिन मार्केट बंद रहेगा तो हमारे पास सिर्फ वेडनेसडे और थर्सडे ट्रेडिंग करने के लिए, और दोनों दिन आप सी साइड की तरफ जम के पैसा नहीं, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ ही जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और एनालिसिस की और भी वीडियो आगे आती रहेंगी और मैं धीरे धीरे इस वीडियो में इंप्रूवमेंट करता रहूँगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।